हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं किसी टॉप 10 EMCQ से। यह UP स्पेशल बेस्ड है और इसके पहले भी हमने बहुत सारे सेशन कर रखे हैं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे टॉप 10 EMCQ जो आपको UPSC, PAT, SSC, कॉन्स्टेबल इत्यादि एग्जामों में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करेगा। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन है 169 नंबर का। परीक्षा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के किस नगर के निकट स्थापित है, बताइए। मेरठ, आगरा, कानपुर, झांसी। तो 169 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो परीक्षा ताप विद्युत केंद्र है उत्तर प्रदेश के कहाँ पे है, झांसी नगर के निकट है। अब परीक्षा जो ताप विद्युत केंद्र है ये किस शहर में है, कहाँ पर है, ये आप हमें बताइए, ठीक है। इट्स असाइनमेंट फॉर यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 170 देखिए क्या है। आपको बताना है कौन सी संवाद एजेंसी लखनऊ में स्थापित नहीं है। इनमें से जो दी गई हैं तो संवाद एजेंसियों में से लखनऊ में स्थापित नहीं है वो कौन सी है, इंडियन न्यूज फीचर एजेंसी, न्यूज फीचर्स ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश न्यूज फीचर्स, प्रेस भारती। तो 170 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जो प्रेस भारती है, ठीक है। ये एजेंसी लखनऊ में स्थापित नहीं है, बाकी इंडिया न्यूज़ है ना, इंडियन न्यूज फीचर एजेंसी, न्यूज फीचर्स ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश न्यूज फीचर्स, ये सारे के सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 171। यश भारती सम्मान के अंतर्गत क्या प्रदान नहीं किया जाता है। जो यश भारती सम्मान दिया जाता है उसके अंतर्गत क्या प्रदान नहीं किया जाता है, साल, स्मृति चिन्ह, उपहार सामग्री, 5 लाख रुपए की नगद धनराशि। तो बताइए 171 का राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यस जब भारतीय सम्मान मिलता है तो लोगों को साल उड़ाई जाती है, उनको एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है, उसके बाद उनके लिए 5 लाख रुपए नगद धनराशि उनको दिए जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान्यवर श्री कांशीराम कला सम्मान के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितने कलाकारों को पुरस्कृत किया जाता है, बताइए। कांशीराम कला सम्मान के अंतर्गत कितने लोगों को पुरस्कृत किया जाता है, क्वेश्चन यही है। तो इसका सही जवाब है 2 लोगों को, ठीक है। प्रतिवर्ष 2 कलाकारों को मान्यवर श्री कांशीराम कला सम्मान के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 173। लाख बहोसी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। लाख बहोसी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, जाहिर सी बात है यूपी स्पेशल हम देख रहे हैं तो यहीं पे होगा, है ना। तो उत्तर प्रदेश में ही है ना। तो लाख बहोसी राष्ट्रीय उद्यान वो उत्तर प्रदेश में है। 174 देखिए, किस देश की सहायता से वर्ष 1968 में हदुआगंज में एक नवीन ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी, बताइए। 1968 की बात हो रही है, इसका राइट आंसर क्या होगा, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बताइए किसके कोऑपरेशन से हदुआगंज में एक नवीन ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। तो 174 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोवियत संघ की मदद से जो 1968 में हदुआगंज में एक नवीन ताप विद्युत केंद्र की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 175। उत्तर प्रदेश के किस शहर से आज का प्रकाशन नहीं होता है। आज एक न्यूज़पेपर है, तो इसका प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस शहर से नहीं होता। ए है कानपुर, बी है गाजियाबाद, सी है वाराणसी, डी है लखनऊ। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, गाजियाबाद, ठीक है। तो आज का प्रकाशन गाजियाबाद में नहीं होता। चलिए आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 176। काशी नगरी प्रचारणी सभा के अनुमोदन से सचित्र हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था। ऑप्शन ए है 1894, बी है 1900, सी है 1902, डी है 1905, बताइए। क्वेश्चन नंबर 176 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1900, ठीक है, 1900। तो क्वेश्चन नंबर 176 देख लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 100, ये तो वही है,
77 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस दैनिक पत्र का प्रकाशन उत्तर प्रदेश से नहीं होता है? ए है राष्ट्रीय सहारा, बी है स्वतंत्र भारत, सी है अमृत भारत, डी है प्रभात खबर। तो 177 का राइट आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभात खबर। ठीक है, जो प्रभात खबर है दैनिक पत्र है, इसका प्रकाशन उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश से नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेशन कंप्लीट होता है। तो अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में भेज के और उन्हें भी सब्सक्राइब करने को बोलिए। मोटिवेशन बूस्ट रहेगा तो कंटेंट अच्छे आएंगे। चलिए, टेक केयर, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो, मोटिवेटेड रहिए और पढ़ते रहिए।